सभी अजीबे किड्स की तरफ से सभी दादा रानी के लिए पोएम। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जी, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की दस्तक। और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, कुछ भी रब देखता है यारा मैं। मौका बार बार नहीं आता है तो हमारी क्लैपिंग भी नहीं रुकनी चाहिए। यस, हमारे दादा जी दादियों से हार चुके हैं तो जोरदार क्लैपिंग हमारे दादा जी के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। दादी माँ तो वैसे ही विनर है। बबला जी सेलू हमारे बहुत अच्छे जानकार है और मैं ये चाहती हूँ कि इनकी जैसी स्कूल हर कॉलोनी में बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि जब बच्चों को इतना मोटिवेट करते हैं तो देखो मेरे को इंग्लिश ज्यादा नहीं आती है और भजन गोला मैं उसे गो अभी बात पर बाकी है ना, जो भी मैडम वगैरह है आईजी वगैरह सबका अच्छा हमारे बच्चे बताते हैं कि मम्मा बहुत अच्छा है। मैं 60 तक की मम्मा हूँ, खड़ा करो बार उसको। मैं 60 तक की मम्मा हूँ तो दादी जी नहीं बोलते, मुझे घर पर मम्मा ही बोलते हैं। हमारे बच्चे हैं ना सरके सरके, जब भी हमारे बच्चे स्कूल में आते हैं सुबह तो हम दोनों दादा दादी के नीचे ताऊ मिल जाए, ताऊ जी के और अपने पापा मम्मी को सबके ना चरण स्पर्श करके आते हैं। और कभी बाजी वगैरह भूल जाते हैं ना तो हम भी उनको बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं, क्योंकि एक स्कूल ही ऐसी नहीं है कि वो ही करे, उनका ही फर्ज नहीं है। अपन भी पेरेंट्स हैं ना तो उनका भी सबका फर्ज है। घर में एक बच्चा है ना 10 आदमियों के हाथ से निकलता है तो 10 में अगर उसको 10 बार के संस्कारों वाले सिखाएंगे ना तो बच्चा कहीं नहीं जाएगा अपन को छोड़ के। आज के युग में क्या होता है, बच्चे को वहाँ घूमने भेज रहे हो, वहाँ घूमने भेज रहे हैं तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि बच्चों को अभी जो संस्कार दे रहे हैं ना वो दो, उनको वो चीज़ मत दिखाओ कि वो उनके दिमाग में छा जाए, वो चीज़ दो इनको कि अपने परिवार से मिलजुल के रहे, परिवार के संस्कार सीखे। दादी क्या होती है, नानी क्या होती है, ये बच्चे ज़्यादा भी नहीं कहा 10 साल तक इनको इतना कहना सुनना जरूरी है। और एक स्कूल का दोष मत दो क्योंकि इनका काम 4 घंटे का है, अपने पास कितने घंटे रहते हैं, उनमें अगर अपन 2 घंटे भी इनको थोड़ा सिखाएंगे अच्छी बातें तो बच्चों में बिल्कुल ये सही बात आएगी। और मैं तो ये चाहती हूँ कि बाबला जी की एक ब्रांच और बने दूसरी जगह की, बहुत ही अच्छे बच्चे पढ़ा रहे हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे हैं। आज तक कोई न्यूज़ पॉइंट नहीं सुना मैंने इनके बारे में।
मेरा जूता है जापानी।